अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज़ उस्मान अली आज हम वो चंद सवाल देखेंगे जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं क्वांटिटी सर्वे की जॉब में ठीक है इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी सर्वेइंग एंड क्वांटिटी सर्वेयर हमने क्वांटिटी सर्वेइंग और क्वांटिटी सर्वेयर के दरमियान में डिफरेंस बताना है ठीक है तो क्वांटिटी सर्विंग क्या है क्वांटिटी सर्विंग वो आर्ट है टू कलेक्ट डाटा अबाउट द मटेरियल एंड कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए होता है और इसकी कॉस्ट ये सब निकालना इस तरीकाकार को कहते हैं कि क्वांटिटी सर्विंग है मतलब प्रोजेक्ट की पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालनी है, हमने और मटेरियल निकालना है इसको क्वांटिटी सर्विंग कहते हैं और जो बंदा इस काम को सर अंजाम देता है उसे कहते हैं कि ये क्वांटिटी सर्वेयर है जो ये जॉब कर रहा होता है उसे क्वालिटी सर्वेयर कहते हैं क्वेश्चन नंबर टू इफ़ यू हैव टू एस्टिमेट अ बिल्डिंग वट टाइप ऑफ डाटा डू यू नीड अगर आपने कोई बिल्डिंग एस्टिमेट करनी है आपको कौन कौन सा डाटा चाहिए होगा पहली पहली चीज क्या है इसमें वो है प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन हमें प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन चाहिए होंगी प्रोजेक्ट ड्राइंग चाहिए और रेट्स चाहिए क्वेश्चन नंबर थ्री डिफाइन स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन क्या है स्पेसिफिकेशन में आता है क्वालिटी टाइप नेचर कंस्ट्रक्शन मैथड एंड साइज ऑफ एनी मटीरियल एंड कंस्ट्रक्शन वर्क क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है कि वट इज बीबीएस बीबीएस क्या होता है बीबीएस इज अ बार बैडिंग स्केजुअल विच इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग री बार फॉर ईच स्ट्रक्चर यूनिट किसी भी स्ट्रक्चर यूनिट जैसे बीम है उसकी डिटेल उसकी री इन्फोर्समेंट की डिटेल को जाहिर करने के लिए बताने के लिए ये बार बैंडिंग स्केजुअल यूज़ होता है ठीक है इसको यूज़ कौन कौन करता है इसको क्वान्टिटी सर्वेयर यूज़ करता है साइट इंस्पेक्टर यूज करता है स्टील फिक्सर यूज़ करता है कॉन्ट्रैक्टर हु ऑर्डर टू री एनफोर्समेंट ठीक है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है वट डू यू नो अबाउट मटीरियल स्टेटमेंट मटीरियल स्टेटमेंट क्या होता है मटीरियल स्टेटमेंट वो टेबल होता है जिसके अंदर पूरे मटीरियल की डिटेल होती है ठीक है मटीरियल की डिटेल को जाहिर करने के लिए जो टेबल इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं कि ये मटीरियल स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर सिक्स वट इज दिस ऑफ डेट डेट एनालिसिस क्या है डेट एनालिसिस ये है कि हमने कोई भी एक यूनिट है कोई भी एक काम है जैसे कि प्लास्टर है या ब्रिक वर्क है ठीक है उसके पूरे की कॉस्ट निकालना उसकी क्वान्टिटी निकालना कि किसके ऊपर कितना जोन सा है वो मटेरियल वगैरह लग रहा है और उसकी कॉस्ट निकालना कॉस्ट निकालने को कहते हैं कि ये रेट एनालिसिस है क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरमीडिएट पॉइंट इंटरमीडिएट पॉइंट क्या होता है वो पॉइंट जहां पर ना कटिंग हो रही हो ना फिलिंग हो रही हो दोनों जीरो हो जैसे कि ये सेंटर पॉइंट इसका बन रहा है इसे कहते हैं कि ये इंटरमीडिएट पॉइंट है आगे आगे क्वेश्चन नंबर एट वट डू यू नो अबाउट लेट लेट क्या होता है लेट है वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है बिटवीन द फीलिंग एंड कटिंग कटिंग और फीलिंग के दरमियान में ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है इसे कहते हैं कि ये लेट है क्वेश्चन नंबर नाइन अस अबाउट लिफ्ट लिफ्ट क्या होती है लिफ्ट जोन है वो वर्टिकल डिस्टेंस है इंटरमीडिएट क्या था वो लेट क्या था लेट जोन है वो फिलिंग और कटिंग के दरमियान में हॉरिजेंटल डिस्टेंस था और लिफ्ट क्या है वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन द फिलिंग एंड कटिंग क्वेश्चन नंबर टेन राइट फार्मूला फॉर एन एरिया ऑफ सर्कल सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला ए इज का स्केयर फोर और पाई का स्केयर डी इसमें क्या है डी इसमें डायमीटर ऑफ सर्कल है आर इसमें क्या है आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल ए जो सा एरिए को शो कर रहा है ये वो चंद सवाल थे जो कि क्वान्टी सर्वेर के, के इंटरव्यू में पूछे जा सकते